आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पाकिस्तान कब अपनी हरकतों से बाज आएगा, ये बातें कई बार कही जा चुकी हैं लेकिन कहानी बदलने का नाम ही नहीं लेती। ताजा खबर यह है कि सरहद पार आतंक के आका हिंदुस्तान में दहशत फैलाने साजिश रच रहे हैं। क्या है ये डबल साजिश, देखिए रिपोर्ट। आतंक की नई खेप तैयार करने में जुटा पाकिस्तान। पाकिस्तान के निशाने पर कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान, आतंक को नया चेहरा देने की खौफनाक साजिश। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में गोलियों की एक दहशत भरी गूंज आए दिन की घटना बन गई है। कभी कुपवाड़ा तो कभी पुलवामा, कभी हंडवाड़ा तो कभी त्राल। शायद ही कोई दिन बीतता हो जब देश के जाबाज जवानों को सरहद पार की साजिश का सामना न करना पड़े। इसे देश के बहादुर सपूतों की जाबाजी कहिए कि सरहद पार की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की हर साजिश सीमा पार करते ही नेस्तनाबूत हो जाती है। कल की ही बात है, कुपवाड़ा में फौज की गाड़ी की तरफ निशाना बनाकर संदिग्ध आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला बोल दिया। कुपवाड़ा बस स्टैंड के पास आर्मी कैंप की तरफ फेंके गए हथगोले में 3 जवान जख्मी हो गए, जबकि फौज की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी चोट देने की सरहद पार से साजिश हुई है। जी हां, इस बार पाकिस्तान की सरजमी से हिंदुस्तान को जख्म देने का ऐसा षड्यंत्र तैयार किया गया है कि अगर उसे वक्त रहते ध्वस्त नहीं किया गया तो भारी मुसीबत हो सकती है। आतंक के आकाओं का खतरनाक गेम प्लान, कश्मीर के युवाओं को आतंकी बनाने की साजिश, पढ़े लिखे कश्मीरी नौजवान पाकिस्तान के निशाने पर, मासूम चेहरे की आड़ में दहशतगर्दी की खौफनाक साजिश। ये वीडियो याद होगा आपको, 2 महीने पहले सोशल मीडिया में हिजबुल आतंकवादियों का ये वीडियो वायरल हुआ था। जरा इसे गौर से देखिए, ये कश्मीर में आतंक का नया चेहरा है, सेना की वर्दी और स्वचलित हथियार, बेखौफ चेहरा। अगर इस तस्वीर से खतरनाक हथियारों को हटा दिया जाए तो कौन कहेगा कि तस्वीर में जो 9 चेहरे हैं उनमें कोई भी एक चेहरा किसी आतंकवादी का है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिससे सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं की साजिश की गहराई का पता चलेगा। जींस, टी शर्ट और गॉगल्स में सड़क के किनारे सेल्फी ले रहे इन नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि ये कश्मीर में आतंक की नई खेप है। ये दोनों पढ़े लिखे लड़के हैं जिनके ऊपर सोशल मीडिया के जरिए आतंक के आकाओं ने ऐसा सम्मोहन किया कि आतंक की राह पर निकल पड़े हैं। ये तो सिर्फ 2 चेहरे हैं लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऐसे कई चेहरों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना दहशतगर्दी का नया चेहरा बनाने की ताक में हैं, क्योंकि पढ़े लिखे ऐसे नौजवान आतंकी बनकर आसानी से जन सामान्य में बगैर किसी शक शुभ के खप सकते हैं और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं। सरहद पार की पहली साजिश तो आप जान चुके, अब हम आपको बताते हैं दूसरी साजिश के बारे में। सरहद पार से दूसरी बड़ी साजिश, घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकवादी। जी हां, पाकिस्तान में चल रही आतंक की फैक्ट्री में 300 लोगों का एक जत्था ट्रेनिंग लेकर दहशतगर्दी का ग्रेजुएट बन चुका है। सेना की माने तो सीमा पार बैठे आतंक के सरगना अब इन आतंकियों को सरहद के विभिन्न हिस्सों से कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सेना की मुस्तैदी से अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई है। Just before the snow sets in, they keep trying to push in militants. There are more than 300 militants
who are ahead in the launch pad, waiting to be launched, but unfortunately for them, they are not finding an opening. So, to get back to your question, it is next to negligible is the infiltration that has happened over this year. तो एक तरफ युवाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलने की साजिश और दूसरी तरफ ट्रेनिंग के बाद 300 आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश, सरहद पार की डबल साजिश भारत की सरकार और फौज के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। कहीं ये बड़ी साजिश की आहट तो नहीं? जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर आज तक। सरहद पार की साजिश का खुलासा पिछले दिनों अमरनाथ यात्रा के दौरान सामने आए आतंकवादियों के वीडियो से हुआ। आतंकियों ने फौज की वर्दी में AK-47 राइफल के साथ तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की थी। इसी कड़ी में दो और तस्वीरें आज तक के हाथ लगी हैं। ये तस्वीरें संकेत दे रही हैं कि कश्मीर में आतंक का चेहरा बदल चुका है। कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को आतंकी बनाया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में जब अपलोड किया गया था तब पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही थी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के साए के बीच सेना की वर्दी में हथियारों से लैस आतंकवादियों ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर और वीडियो अपलोड कर सुरक्षा बलों को भी सख्ते में डाल दिया था। सब हैरान थे आतंक के इन नए चेहरों और हथकंडों को देखकर। अमूमन आतंकी अपना चेहरा नहीं दिखाते, लेकिन पहली बार आतंकी खुलेआम खुद को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ने वाले इन आतंकवादियों की ये तस्वीर दो दिन तक फेसबुक पर नजर आई, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये तस्वीर शोपियां या पुलवामा के किसी बगीचे में ली गई थी। इस तस्वीर में मौजूद आतंकियों में नसीर नाम का युवक भी शामिल है। नसीर जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल था और दो AK-47 राइफल्स लेकर फरार हो गया था। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक इस तस्वीर में त्राल में रहने वाला बुरहान वानी नाम का युवक भी नजर आ रहा है। बुरहान घाटी में हिजबुल का युवा चेहरा बनकर उभरा है, लेकिन अब इन्हीं आतंकवादियों में से दो और आतंकियों की तस्वीर वायरल हुई है। जीन्स, टी शर्ट और गॉगल्स, सड़क पर सेल्फी लेते हुए यानी बिल्कुल आधुनिक तौर तरीके के साथ श्रीनगर की सड़कों पर घूमते हुए इन्हें देखकर कोई भी धोखा खा जाए, भला किसी को कैसे शक होगा ये आतंकी हो सकते हैं। कि कई सारे युवा आतंकवाद के लिए काम करते हैं और रोजमर्रा आम लोगों के साथ मिलकर जिनको पहचाना या जिनका सुरक्षा व्यवस्था या सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, और यही सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है। तो इस नई उम्र के इन दो आतंकवादियों की पहचान है कि दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं। रंगीन टी शर्ट में 27 बरस का वारिस माला है तो रंगीन चश्मा लगाए जाकिर अहमद बड है जो महज 25 बरस का है। वारिस माला सेकंड ईयर आर्ट्स का छात्र है तो बड ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। एक के पिता के पास सेब के बागान है तो दूसरे के पिता इंजीनियर है, सरकारी अधिकारी है। दोनों ही 5 बरस पहले जमात इस्लामी के संपर्क में आए थे और सोशल मीडिया के जरिए आतंकी विचारधारा से भी जुड़ने लगे। घाटी में सुरक्षाकर्मी मान रहे हैं कि सोशल मीडिया उनके लिए नए खतरे की घंटी है। He doesn't have to actually create an act of violence if he loads a very catchy video on YouTube. You yourself will actually pick that up and run it in the evening. You don't, so they don't require, this is a very low cost option which is available to all of them and they are using it adroitly. ऐसी खबरें हैं कि सरहद पार बैठे आतंकी संगठनों ने 21 अगस्त से नई भर्ती शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी ट्रेनिंग के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई थी और इच्छुक युवकों को बदले में 35,000 रुपए सैलरी का वादा किया गया था। युवाओं के आतंकवाद से जुड़ने की बड़ी वजह सूबे में बढ़ती बेरोजगारी को बताया जाता है।
लेकिन आतंक की जो नई खेप तैयार हो रही है वो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से नहीं जुड़ रही है। सोशल मीडिया में जिस तरह दहशतगर्दों को लुभावने और नायक वाले अंदाज में पेश किया जा रहा है उससे भी युवाओं में भटकाव हो रहा है। 21 साल के बुरहान को ही लीजिए, वो धनी संपन्न परिवार से आतंकवाद से जुड़ने वाली नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। बताया जाता है कि बुरहान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय है और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है। आतंक की इस नई पौध को देखकर घाटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी माना था कि आतंक का नया चेहरा पढ़ा लिखा कश्मीरी है, जिसे आतंकी वर्दी और हथियारों से खेलना अच्छा लग रहा है। यानी भटकाव की नई सोच को कैसे संभालना है ये भी बड़ी चुनौती है। अशरफवाणी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर से पहले भी चिंता में डालने वाली ऐसी तस्वीरें आती रही हैं। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में ISIS के झंडे भी लहराए हैं और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ISIS का आकर्षण कश्मीरी युवाओं को लुभा रहा है। पिछले दिनों जुमे के मौके पर श्रीनगर में ऐसी तस्वीरें आम नजर आई थी। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी और आतंकी संगठन ISIS के झंडे लहराना। हालांकि अब तक कश्मीर में ISIS के अस्तित्व की पुष्टि न तो केंद्र सरकार की तरफ से हुई है और न ही सेना की तरफ से, लेकिन गाहे बगाहे घाटी में इस्लामिक स्टेट का झंडा लहराना ये जाहिर करता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन की विचारधारा यहां भी पहुंच रही है और युवाओं में उसे लेकर आकर्षण पैदा हो रहा है। इंटेलिजेंस फीडबैक्स आते रहते हैं और जो भी इंटेलिजेंस फीडबैक आते हैं उस आधार पर जो भी सरकार को अथवा प्रशासन को जो काम करना होता है वो करता है, लेकिन इन सब सारी चीजों पर हम कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। दरअसल इस्लामिक स्टेट सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से अपनी विचारधारा का प्रचार करता है उससे बड़ी तादाद में युवा आकर्षित हो रहे हैं। इसका खुलासा खुफिया एजेंसियों के एक सर्वे में भी हुआ है। पिछले महीने इंटरनेट ट्रैफिक पर हुए एक सर्वे के मुताबिक ISIS पर सर्च के मामले में जम्मू कश्मीर सबसे आगे, यानी जम्मू कश्मीर के युवाओं ने इस्लामिक स्टेट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारियां इंटरनेट पर ढूंढी हैं। शहरों की बात करें तो सर्वे के मुताबिक ISIS में दिलचस्पी दिखाने में श्रीनगर सबसे आगे है। सर्वे से खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बाद असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के युवाओं ने इंटरनेट पर इस्लामिक स्टेट के बारे में जानने में खूब रुचि दिखाई। सर्वे के लिस्ट में 6 छोटे बड़े शहरों के नाम हैं, जिनमें श्रीनगर, गुवाहाटी, महाराष्ट्र के चिंचवाड़, पश्चिम बंगाल का हावड़ा, मुंबई और उत्तर प्रदेश के उन्नाव का नाम है। सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि ISIS का जादू 18 से 30 साल के युवाओं पर सबसे ज्यादा चल रहा है। इस सर्वे का जिक्र पिछले महीने 12 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में रखा गया। तो क्या ISIS के प्रति बढ़ता आकर्षण जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा से भटकाकर आतंकवाद की राह पर ढकेल रहा है? इसका जवाब तो फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन युवाओं में भटकाव रोकने के लिए फौज की तरफ से कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। फौज घाटी में लगातार खेल और दूसरे आयोजन कर रहा है ताकि युवा उसमें व्यस्त रहें और उन्हें भटकने का मौका न मिले। We try and give a positive direction to the youth. The events that ended today are certainly engagement of the youth, as you saw. Engagement of the youth is an important part. Not only with the army, the state is also doing it. All organs of the government are doing it. We are also playing our part in it. सेना के लिए सचमुच ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि युवा समाज की रीढ़ होते हैं। अगर युवा ही भटक गए तो सूबे को संभालना मुश्किल हो जाएगा। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।